नमस्कार, जनसाथ के न्यूज में आपका स्वागत है। सियासी हलचल में हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चौथी सूची आने के बाद भी जिन विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, वहां अटकलों का बाजार भी गर्माजा देखा जा रहा है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भी कांग्रेस और बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए, जिसके चलते अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा है। बीजेपी के पूर्व मंत्री और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी में है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। अरे भोपाल तो मैं प्रदेश का अपना काम देखने के लिए जाता ही हूँ हर हफ्ते। मोर्चे का काम जो है कार्यकर्ताओं को सबको लगाने के लिए प्रदेश भर का, अभी तो अभी पार्टी निर्णय करेगी। सूत्र बता रहे हैं सर आप कांग्रेस शामिल कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, कहाँ की बात, नहीं नहीं कोई नहीं, गलत है, गलत खबर है, गलत। मैं अपने बारे में बात करूँगा, शामिल नहीं कर रहे, सवाल ही नहीं है। सियासी अंचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।